हेलो दोस्तों, वेलकम टू बिल्ड आर्ट। आज आपको लेके चलते हैं एक स्कूल में। एक स्कूल है जो कि टिल 8th क्लास तक है। उसको बिल्ड आर्ट ने डिज़ाइन किया है और उसका पूरा एग्जीक्यूशन भी किया है। तो उसी में से मैं आपको कुछ क्लासरूम्स दिखाता हूँ। ये क्लासरूम्स हैं आपकी बेसिकली अप टू प्री नर्सरी, नर्सरी और प्ले स्कूल वाली। इसमें हमने क्या किया है, छोटे बच्चों के लिए आपकी रबर की फ्लोरिंग की है इसमें नीचे, अगर आप देख पा रहे हैं, जिसके अंदर डिफरेंट कलर्स यूज़ किए गए हैं सो दैट कि आपका एक कमरा पूरा कलरफुल दिखे। उसके साथ साथ हमने कुछ स्टोरेज के, उसके जैसे बच्चों की बुक्स रखनी है या उनके टॉयज़ रखने हैं या एजुकेशन से रिलेटेड जितने टॉयज़ आते हैं वो सब रखने हैं, तो उसके लिए हमने ऐसे स्टोरेज का प्रोविज़न किया है। और आप नीचे जैसे देख पा रहे हो, ये हमने इसके रबर फ्लोरिंग के अंदर अलग अलग कलर्स के साथ अलग अलग कंटेंट डाले हैं। जैसे ये वाला अगर आप देख रहे हो तो ये काउंटिंग्स है। काउंटिंग के साथ साथ बच्चा यहाँ पर प्ले कर सकता है। आपका जो गेम रहते हैं, जो नॉर्मल गेम्स रहते हैं छोटे बच्चों के लिए, वो सब है। प्लस ये आपको शेप दिखाती है कि जैसे ये हाफ सर्कल है, ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है। ऐसे ही आपकी जैसे एक वॉच बनी हुई है इसके अंदर। बच्चों को ये चीज़ सिखाई जा सकती है कि आपके टाइमिंग के लिए एक ये वाली, एक ये वाली, ऐसे करके आप मैच कर सकते हैं। दूसरा आपका इसमें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के लिए कंपास बना हुआ है। तो इसी तरीके से हमने उनके अलग अलग रूम, जो छोटे बच्चों के लिए रूम बने हुए हैं, वो सब डिज़ाइन किए हैं। तो उसमें से जैसे ये एक रूम है जिसका पैटर्न्स है आप देख पा रहे हैं ये है। और ऐसे ही मैं आपको दूसरे कमरों में भी लेके चलता हूँ यहाँ के लिए। ये आपका जैसे कि दूसरा कमरा है, इसके अंदर अगर आप देख पा रहे हो, अगेन रबर फ्लोरिंग जो है उसका डिज़ाइन पहले वाले से अलग है। सो इस तरीके से अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग रूम डिसाइडेड हैं। और हमारे जो बच्चे हैं, जो थीम है जिस थीम के ऊपर हम काम कर रहे हैं, वो ये है कि कोई भी क्लासरूम किसी पर्टिकुलर क्लास के लिए डेजिग्नेटेड नहीं है। जैसे कि मान लो 10 दिन के लिए एक बच्चों का जो ग्रुप है वो इस क्लास में बैठा, फिर वो दूसरे रूम में चला जाएगा, तो उससे उनके लिए क्या है कि हर बार एक नई क्लासरूम का फील आता रहेगा उनको कि आज कुछ नया है इसमें, कुछ है अच्छा। इसके साथ में आप जो ये वुडन के सेल्फ देख पा रहे हैं, वो बच्चों के लिए स्टोरेज के, उनका अगर उनको टिफिन रखना है या फिर उनको अपने झूले, जो छोटे खेलने के लिए खिलौने होते हैं वो सब रखने, तो उन सब के लिए हमने ये अरेंजमेंट किया हुआ है इसमें। इसके साथ साथ उन बच्चों के लिए आपका छोटी टेबल्स हैं, कलरफुल टेबल्स हैं, छोटे छोटे चेयर्स हैं, वो सब मैं आपको दिखाता हूँ। इससे पहले एक कमरा और दिखाता हूँ जिसमें अगेन रबर फ्लोरिंग यूज़ करके हमने बच्चों के लिए अलग पैटर्न बनाया है। सो ये एक कमरा हो गया, इससे पहले मैंने दिखाया था एक वो कमरा है, और तीसरे कमरे में अब हम चलते हैं। अब जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये तीसरा कमरा है जिसके अंदर हमने जेब्रा क्रॉसिंग है, आपकी अलग अलग शेप हैं, अलग अलग कलर्स हैं, वो सब यूज़ किए गए हैं। और अगेन इसके अंदर भी जो स्टोरेज है वो हमने अलग से रखी हुई है। सो सिमेट्री मैच करने के लिए हमने क्या कि जो स्टोरेज स्पेस है वो सारी क्लासरूम का एक जैसा रखा हुआ है, पर फ्लोरिंग के जो पैटर्न है वो हमने अलग अलग यूज़ कर रखे हैं कि कोई भी बच्चा जब एक क्लास से दूसरी क्लास में जाता है आफ्टर 10 डेज और एक वीक के बाद, तो उसको वहाँ पे जाने के बाद एक नया एक्सपीरियंस हो, वो बोरियत फील ना करे। तो इसके लिए हमने अलग अलग क्लासेस में अलग अलग कलर्स, अलग अलग पैटर्न्स और अलग अलग थीम के अकॉर्डिंग यहाँ पर काम किया हुआ है। जैसे ये एक है जिसमें हम बच्चों को रोड सेफ्टी के बारे में, जेब्रा क्रॉसिंग और इन सब चीज़ों के बारे में बता सकते हैं। अगर मैं आपको यहाँ की इसकी रबर फ्लोरिंग के बारे में बताऊँ तो जो ये कलर्स हैं, ये कलर्स हमारा क्या था, जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक जो छोटे छोटे दानों की फॉर्म में है, अगर आप इसको डिटेलिंग में अगर आप देखें ये रहा, तो ये ग्लू के साथ पेस्ट कर रखा है। और हमने क्या किया है, सबसे पहले एक एरिया, उसके ऊपर वो डिज़ाइन बनाया है, उस डिज़ाइन में उस कलर के आपके दाने, प्लास्टिक के दाने जो हैं वो बने हुए आए हैं, और उनको फिर हमने यहाँ पे ले कर दिया। ले करने के बाद उस पर ग्लूज हैं, और अभी जब मैं इसके ऊपर चल रहा हूँ तो आपको एक कुशनिंग फील देता है। इन केस अगर बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, नीचे बैठ रहे हैं, तो उनको ऐसा नहीं है कि चोट लगने का और वो सब चीज़ों का खतरा नहीं रहेगा। सो अब ये था आपके बिल्कुल छोटे बच्चों के लिए अरेंजमेंट। अब इससे बड़े बच्चों के लिए जो क्लासरूम है अप टू 3rd क्लास, वहाँ हम आपको लेके चलते हैं। अब ये वाला जो क्लासरूम है वो 1st क्लास से लेके आपके 3rd क्लास तक सेम ऐसे ही बनेंगे। सो आप इसमें देख पा रहे हो कि इन बच्चों के लिए हमने चेयर और टेबल का अरेंजमेंट किया बैठने के लिए। अगेन ये सब बच्चे फ्री हैं, अगर इनको नीचे बैठना है तो नीचे के लिए कारपेट्स वगैरह यूज़ होंगे, और ऊपर चेयर्स पे बैठना है तो वहाँ भी बैठ सकते हैं। अब अगर आप ये डेस्क की जो अरेंजमेंट आप देख पा रहे हो, ये आपके अकॉर्डिंग अब डिपेंड करता है कि जैसे टीचर को, स्टाफ को
बच्चों को बैठाना है या उनकी क्लासेस के अकॉर्डिंग जो शेप या डिज़ाइन अरेंज करनी है वो आप कर सकते हैं। चेयर जो है वो आपकी अलग से सेपरेट हो सकती है, जैसे ये है। अगेन इसी तरीके से आपका जो डेस्क है, डेस्क भी एक दूसरे से सेपरेट हो सकता है। सो सेपरेट होने के बाद ये आप इसको चाहो बच्चों को अलग अलग बैठाना है तो अलग अलग बैठा सकते हैं, और एक ग्रुप में बैठाना है तो ग्रुप में बैठा सकते हैं। अब ग्रुप में इसकी अलग अलग शेप बन सकती है, जैसे आप एक ये देख पा रहे हैं, दूसरा एक ये था, हाफ सर्कल बन जाएगा, फुल सर्कल बन जाएगा, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है वैसा ही बन जाएगा। अगेन ये जो है छोटे बच्चों के लिए, ये हमने स्टडी एरिया रखा है। यहाँ पे आपके बुक्स जो हैं वो बुक्स रखी जाएंगी इस एरिया में, और यहाँ इसके साथ में जो आपको ये वाला एरिया दिखाई दे रहा है, इस एरिया में आपकी कुशन रखा जाएगा जिसके ऊपर बच्चे बैठ सकते हैं। सो ये वाला अगेन आपका स्टोरेज पर्पज़ के लिए यूज़ होगा, कि बुक्स जो है, न्यूज़पेपर है, मैगजीन्स हैं, उन सब चीज़ों को आप स्टोर कर सकते हैं। अगेन इसको बोथ साइड्स है। सो अभी भी हमारा क्लासरूम के लिए बहुत सारा फर्नीचर है जो कि लग नहीं पाया है। अभी हमारी जो स्टेज है वो अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज है, और इस सेशन से जो नई अपकमिंग 2023 की जनवरी फरवरी सेशन है उससे बच्चों के एडमिशन स्टार्ट होंगे। तो उसके लिए जो अभी हमारा फर्नीचर है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये अलग अलग चेयर्स रखी हुई है जो कि सारी अभी क्लासरूम के अकॉर्डिंग अलाइन करनी है। ऐसे ही आप इसमें देख पा रहे हो, यहाँ पर हमारे डेस्क रखे हुए हैं जो कि अलग अलग क्लासेस में ये चले जाएंगे, जहाँ पे बच्चे बैठ सकते हैं। अभी आपने देखा था कि कुछ एक डेस्क थे जो कि सिंगल सीटिंग के अकॉर्डिंग थे, जैसे लास्ट वाली क्लास में दिखाया था। उसके अलावा कुछ डेस्क है जो कि दो बच्चों की सीटिंग के अकॉर्डिंग है, जैसे कि ये वाला एक डेस्क है, अगर आप इसको देख पा रहे हैं, ये वाले जो डेस्क है इस पर दो लोगों की सीटिंग एक साथ होगी। सो इसके अंदर हमने क्या है कि आपका MS का फ्रेम है पीछे की तरफ, और उसके ऊपर आपका MDF का प्रीलैमिनेटेड बोर्ड लगा हुआ है। और इसमें अगर मैं नीचे की तरफ की बात करूं तो इसमें ये जाली है, ये वाली, जिसमें बच्चे अपना बैग हैंग कर सकते हैं। सो ये एक स्कूल का फर्नीचर है। हम लोग स्कूल से लेके घर से लेके हर चीज़ें आपकी डिज़ाइन कर सकते हैं। सो बिल्डर जो है वो एक प्रोफेशनल आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिज़ाइनर्स की टीम है, जिसमें अलग अलग एक्सपीरियंस के अलग अलग लोग हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपना घर, ऑफिस, स्कूल, इंडस्ट्रियल एरिया डिज़ाइन करवा सकते हैं। सो गाइस, आपको फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके आते। अगर आपको अगेन मैं वीडियो को ख़त्म अभी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि कुछ और चीज़ें हैं जो आपको दिखानी थी, जैसे कि ये स्टोरेज यूनिट है जो आपकी अलग अलग क्लासेस में अभी जानी है, जो जा नहीं पाई हैं, लोग अभी शिफ्टिंग पे लगे हुए हैं, वो इसको यहाँ से वहाँ मूव कर रहे हैं। अब जैसे ये एक टेबल है, ये हम जहाँ पे रबर फ्लोरिंग देख के आए थे उस वाले क्लास के लिए है, वहाँ पे आपकी ये वाली टेबल लगेगी। बच्चों को अगर टेबल के ऊपर चेयर के साथ बैठना है तो वहाँ पे वो बैठ सकते हैं, और इनकेस उनको नीचे ग्राउंड पे बैठ के काम करना है तो वो लोग कर सकते हैं। अब अगेन इसी वाले सेट में जो आप ये जो देख पा रहे हैं, ये आपके मल्टी यूटिलिटी पर्पज़ के लिए आपके बॉक्सेस बने हुए हैं। अगर आपको यहाँ पे बुक्स रखनी है, बुक्स रख सकते हैं, आपको टॉयज़ रखनी है, टॉयज़ रखे जा सकते हैं। अब जैसे ये वाली एक सेट आपको पूरा दिखाई दे रहा है, ये अलग अलग पार्ट में, ये हमने ऐसे डिज़ाइन किया है कि अलग अलग पार्ट में आपका डिसमेंटल हो सकता है। जैसे ये वाला एक पार्ट है जिसके अंदर आपने बुक्स रख ली है, यहाँ पे आप कुशन्स लगा के बैठ सकते हैं। अगर एक क्लासरूम में आपको इसको अलग अलग जगह पे मूव करना है तो आप ऐसे करके इसको चार पार्ट में निकाल सकते हैं। ये निकल जाएगा, इसके साइड निकल जाएगा, और उधर का टॉप निकल जाएगा। तो ऐसे करके आपके पास ऑप्शंस जो हैं वो अवेलेबल रहते हैं, और यही वाली खूबियाँ जो एक मॉडुलर फर्नीचर में, जब आप एक मॉडुलर फर्नीचर डिज़ाइन करते हैं तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए डिज़ाइन किया जाता है, कि जब भी आपको किसी भी चीज़ को डिसमेंटल करना है या नई चीज़ को अटैच करना है तो उसमें आप फ्री हो। सो गाइज, होप आपको ये अच्छा लगा होगा। फॉर एक स्कूल का डिज़ाइन है, और इसमें आपको जो ये ब्लैक दिख रहा है, ये वाला हमने कारपेट यूज़ किया हुआ है कि बच्चों के साउंड की इंसुलेशन को, ये साउंड को इंसुलेट करेगा, वॉइस जो है आपकी वो गूंजेगी नहीं, और एक कलर भी आपका अलग हो जाता है। जब बच्चा टच करता है इसको तो एक फैब्रिक की फील आती है। सेम आमने और सामने की जो दो दीवारें हैं उस पर हमने फैब्रिक यूज़ किया हुआ है। ये आपकी दो विंडो हैं इसके क्लासरूम के पर्टिकुलर, और इसके अपोजिट जाके आपको मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पर हमने ऐसे ही कॉरिडोर एरिया जो है उसमें आपके एक क्लासरूम में दो डोर है और आपकी दो विंडो है। तो ये जो कमरा है ये आपका फुली वेंटिलेटेड है, आपको ऐसा कभी भी फील नहीं लगेगा कि ये कंजस्टेड एरिया है।
तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने स्कूल को स्टार्टिंग से लेके एंड तक प्लान किया और डिज़ाइन किया है। सो गाइस, बाकी की प्लानिंग से रिलेटेड जो वीडियोस है वो जल्दी मैं आपके साथ लेके आऊँगा। आज थोड़ा सा टाइम की कमी है, मैं आपको स्कूल का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाऊंगा, उसमें हमने क्या क्या ऑर्डर्स थी, कैसे कैसे सोल्व की, वो सब आपको दिखाऊंगा। तो ये स्कूल का सेंट्रल कोर्टयार्ड है, और तो ऐसे बहुत सारा एरिया है स्कूल का जहाँ पे ऑर्डर्स थी जो हमने सोल्व की, आपको एक एक चीज़ पे हम लेके चलेंगे। और ये वाली जो चेयर्स आप देख पा रहे हैं रेड वाली, ये स्पेशली जो छोटे बच्चे, जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया था जो फ्लावर शेप की आपकी टेबल थी जो आपकी छोटे बच्चों की क्लासरूम में लगनी थी, ये उसके लिए जो चेयर्स है वो वाली चेयर्स है। अगेन ये हमने कलरफुल यूज़ किया कि बच्चों को कलर्स के अगेंस्ट, वो कलर के अगेंस्ट, जैसे बच्चे हैं एक कलर्स के अगेंस्ट वो ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, तो उनको क्लासरूम में बोरियत ना लगे और वो उनका मन लगा रहे क्लासरूम में। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको।